मुझे सपोर्ट करने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को क्लिक कीजिए। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज अपन ये वाली डिज़ाइन ट्राई करने वाली है। ये बहुत ही अच्छी लगी है मेरे को और मेरे को बहुत यूनिक भी लगी है, तो मैंने सोचा इसको मैं जल्दी से एक बार प्रैक्टिस भी कर लूँ और आपको भी बता दूँ कि ये बनेगी कैसे। बहुत टिपिकल लग रही है ये देखने में, पर बनाने में मेरे को काफ़ी ईजी लगी है, तो एक बार आप भी इसे सीख लीजिए मेरे साथ साथ। इस डिज़ाइन में मैं स्टार्टिंग चेंज कर रही हूँ, फिंगर की डिज़ाइन भी चेंज करने वाली हूँ। स्टार्टिंग मैंने बहुत सिंपल सी रखी है, जिसमें मैंने ज़िगज़ैग वाली डिज़ाइन ली है, जिसको मैं बनाने के बाद उसको थोड़ा थोड़ा फिल कर दूँगी और उसके बाद ऊपर की तरफ मैं उसमें एक्स्ट्रा डिज़ाइन बना दूँगी। ये मैंने सिंपल सी एंडिंग की डिज़ाइन रखी है ताकि मेरे को ऊपर की तरफ बहुत ज़्यादा वर्क ना करना पड़े, और जिसकी मेरे को मेन प्रैक्टिस करनी है मुझे सिर्फ उसी पे वर्क करना पड़े। तो मैंने स्टार्टिंग बहुत सिंपल रखने के लिए ये वाला डिज़ाइन लिया। ये बहुत ही अच्छा लग रहा है और काफ़ी बार मैंने ये डिज़ाइन देखा भी है, मुझे काफ़ी इंटरेस्टिंग लगा है बनाने में भी और बहुत अच्छा सा, मतलब सोबर सा डिज़ाइन है। तो ये आप ट्राई कर सकते हो अगर आपको सिंपल सा ऊपर का डिज़ाइन आपको कुछ नहीं बनाना है तो। नेक्स्ट मैंने बेल्स की डिज़ाइन ली है, बेल्स मतलब घंटियों की डिज़ाइन ली है मैंने, बहुत छोटी छोटी सी घंटियों की डिज़ाइन ली है। ये मैंने बहुत ही पास पास बना दी है, ये शायद मुझे थोड़ा सा मैसी सा लग रहा था, पर बनने के बाद सब अच्छा लग रहा था, पर अगर कोशिश करें तो आप इसे थोड़ा सा दूर दूर और कम बना के अच्छा बनाना। बस मेरे को ये चीज़ यहाँ पे लगी, तो इस चीज़ का आप ध्यान रखना। मैंने वैसे तो एंड ऑफ रिज़ल्ट बहुत अच्छा था, पर फिर भी अगर आप ये बनाने जाएंगे अगर मेरी तरह से तो ये आपसे मिक्स हो सकता है, तो इस चीज़ का आप ध्यान रखना। इसको कम बनाना, एक कम करके थोड़ा सा गेपिंग बढ़ा के थोड़ा सा बना लेना, अच्छा लगेगा, बहुत ज़्यादा गेपिंग मत रखना। तो उसके बाद मैंने डार्क वाली लाइन ली है और फिर कंगूरी की लाइन ली है, जिसकी मैंने काफ़ी सारी प्रैक्टिस आपको करवा रखी है। इनको अपन फिल कर देंगे सबको और नीचे की तरफ इसमें अपन डॉट लगा देंगे सब में एक जैसे। कंगूरे की और लाइन की प्रैक्टिस तो आपको काफ़ी अच्छे से मैंने करवा रखी है, तो आई होप आपने वो चीज़ तो अच्छे से कर ही रखी होगी, तो मेरे को उसमें कोई आपको समझाने की ज़रूरत ही नहीं है। अब उस डिज़ाइन में अपन ने बहुत पास पास एलिफेंट का डिज़ाइन देखा था, जो कि मैं अभी यहाँ पर लेती तो वो बहुत ही बारीकी से मेरे को बनाना पड़ता, पर मैंने यहाँ पे थोड़ा सा उसको साइज़ में बड़ा ले लिया है ताकि मैं प्रैक्टिस कर रही हूँ तो मुझसे कोई मिस्टेक ना हो और चीज़ भी अच्छी बने। अभी प्रैक्टिस के लिए मैंने इसको थोड़ी सी साइज़ में बड़ा लिया है और आप चाहे तो उसे छोटा बना सकते हो, पर मेरे को ये ठीक लगा तो मैंने ये साइज़ ले लिया। मैंने सबको पहले साइज़ वाइज डिवाइड कर दिया है, उसके बाद मैं इसमें लाइनें बनाऊंगी और एलिफेंट का डिज़ाइन बनाऊंगी। एलिफेंट का ये डिज़ाइन मैंने आपको पहले प्रैक्टिस करवा रखा है तो आप उसे आराम से देख सकते हैं, नहीं तो इस डिज़ाइन को भी आप थोड़ा सा स्पीड कम करके देखेंगे तो ये डिज़ाइन आपको अच्छे से समझ आ जाएगी। मैंने इसमें तीन लाइन लेना सही समझा, पहले वाले में मैंने दो लाइन ले रखी है, तो मेरे को थोड़ा सा ऐसा लग रहा है बहुत ज़्यादा भरने के लिए रहेगा, उसमें डिज़ाइन बहुत ज़्यादा फिल करना पड़ेगा मेरे को, जो कि शायद अच्छा नहीं लगे, तो इसलिए अपन तीन तीन लाइन लेंगे। पहले वाले में मैंने दो ली है, उसमें भी मैं एक और लाइन अभी बढ़ा दूँगी, तो ये वाली चीज़ का आपको ध्यान रखना है। तीन लाइन मेरे को सही लग रही है तो अपन इसमें भी तीन लाइन रखेंगे। एलिफेंट का डिज़ाइन तो आपको आता ही होगा, मैंने आपको सिखा ही रखा है, नहीं तो इसको देख के भी बना लो। सीखना हो तो लिंक आपको मिल जाएगी मेरी वीडियोस में, आपको वो मिल जाएगा तो आप देख लेना। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मैं आपको उसका लिंक दे दूँगी, तीन लाइन लेने के बाद आपको सब में एलिफेंट का ऐसा ही डिज़ाइन ड्रॉ करना पड़ेगा। अच्छा, डिज़ाइन बहुत ही आराम से बनाना है अपन को, बहुत ज़्यादा अपन को उसमें जल्दबाजी नहीं करनी है, जितना आराम से बनाऊंगी डिज़ाइन उतना अच्छा बनेगा। लाइनें एक दूसरे में मिक्स नहीं होनी चाहिए, लाइनों की बहुत अच्छी प्रैक्टिस होगी तो ये डिज़ाइन बहुत ही अच्छा बनने वाला है। ठीक है, हर चीज़ का ध्यान रखना। लाइनें मैंने जैसे आपको, अब जो मैं ये रो बनाऊंगी इसको आप एकदम ध्यान से देख लेना, सेम आपको यही वर्क पूरे पे करना है। ठीक है, नीचे तक चलो अभी अपन अगर देखें तो नीचे तक मैं ट्राई कर रही थी कि कौन सा लाइन कैसा बनाऊं क्या करूं वो सब, पर ये जो लाइन मैंने बनाया है ये एकदम परफेक्ट है, कोई भी लाइन किसी में भी मैंने मिक्स नहीं किया है। नीचे मैंने एक बार कोशिश की है कि मैं उसको हाफ हाफ करके बनाऊं, एक के ऊपर एक लेके बनाऊं, इसकी जस्ट नीचे वाली लाइन में आप देख सकते हैं, जो उसमें आपको मैंने करके दिखाया है वैसा नहीं करना है,
वो गलती नहीं करनी है, वो मैंने ट्राई करा है कि वैसा अच्छा लग रहा है कि ये अच्छा लग रहा है, तो मेरे को ये ऊपर वाला बहुत अच्छा लगा, तो मुझे इससे ये समझ आया कि मेरे को नीचे वाले जैसा काम नहीं करना है, ऊपर जो मैं बना रही हूँ मेरे को सेम ऐसा काम करना है, अगर मैं किसी के हाथ पे भी बनाती हूँ तो मेरे को इस चीज़ का ध्यान रखना है। समझ आई? लाइनें किसी में भी मिक्स नहीं होगी, एक बार जो अपन ने ऊपर से जो ड्रॉ किया है उसके बाद जो भी अपन लाइन बनाएंगे वो किसी दूसरी लाइन से कनेक्ट नहीं होगी, वो अपनी एक जगह बनाएगी। ठीक है, आई होप आपको ये चीज़ समझ आ गई होगी, सबकी लाइन अपनी एक अलग जगह पे होगी, किसी से भी कनेक्टेड नहीं होगी, इसके अंदर की जितनी भी लाइनें बनेगी सब अपनी अपनी जगह पे बनेगी। आई होप आपको ये चीज़ समझ आ गई, जैसे मैं ये इसमें बना रही हूँ सेम ऐसा कैसा अपन को बनाना है। पहले जो नीचे से दूसरे वाले में आप देखोगे तो वो मैंने दूसरे वाले कंगूरे से जो अपन ने डिज़ाइन ड्रॉ किया था कंगूरे का बड़ा वाला डिज़ाइन उससे मैंने कनेक्ट कर दिया है उसको, वैसा नहीं करना है। जो मैंने ऊपर अभी मैं ये चलती जा रही है एक के बाद एक, वैसा ही आपको काम करना है। ठीक है, ये चीज़ इसमें मेरे को मिस्टेक लगी थी जो कि मैंने आपको बता दी है कि आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है, तो आपको काम पूरा इस तरह से करना है। फाइन, ये बहुत ही खूबसूरत सा डिज़ाइन मेरे को मिला था लास्ट में, मैं बहुत खुश थी इस डिज़ाइन से कि वाकई बहुत अच्छा काम मिला है मेरे को इससे। एलिफेंट में जैसा अपन वर्क करते हैं वैसा अपन इसमें भी कर देंगे, तो मैं इसको थोड़ा सा आपको फील कर देती हूँ इसका डिज़ाइन। फिर ऐसा करते हैं अपन फिंगर का डिज़ाइन पहले बना लेते हैं ताकि फिंगर भी अपन को अच्छे से समझ आ जाए कि अपन को उसमें काम कैसा करना है। अपन को डिज़ाइन का बना किस वक्त कौन सी डिज़ाइन बनानी है उसका डिसीजन बहुत आराम से करना है। हॉरिजॉन्टल डिज़ाइन मैं यहाँ पे ले सकती थी, मुझे बहुत ज़्यादा माइंड में हॉरिजॉन्टल डिज़ाइन मेरे बहुत ज़्यादा माइंड में है, मैं मोस्टली भरमा डिज़ाइन में वही बनाती हूँ तो मैं वो कर सकती थी, पर मुझे लगा कि यहाँ पे मैंने बहुत सारे एलिफेंट का डिज़ाइन ले लिया है, बहुत भरावा भी डिज़ाइन ले लिया है, तो मुझे फिंगर में कुछ खाली डिज़ाइन चाहिए था, तो कुछ यूनिक चाहिए था, कुछ अच्छा दिखने वाला, तो मैंने उसके लिए ये वाला डिज़ाइन डिसाइड किया है जो कि वर्टिकल में है, जिसमें मैंने सीधी लाइन लेके पत्तियों के डिज़ाइन ले लिए साइड में और फिर मैंने लाइनें ले लिया। ये डिज़ाइन मुझे ज़्यादा अच्छा लगा और बहुत बार मैंने अभी नई नई डिज़ाइन में ये वाला डिज़ाइन देखा है तो मैंने ये वाला डिज़ाइन लिया। यहाँ पे मैं चाहती तो चेक्स का डिज़ाइन भी ले सकती थी पर मुझे लगा कि ये वाला ज़्यादा अच्छा लगेगा तो मैंने ये ले लिया। अगर आप ये नहीं बनाना चाहते हो तो आप चेक्स का डिज़ाइन भी ले सकते हो, टोटली आपके ऊपर डिपेंड करता है, पर मुझे ये वाला डिज़ाइन बहुत अच्छा लग रहा था तो मैंने ये वाला डिज़ाइन बना दिया। अब मैं सारी फिंगर्स में ये वाला ही डिज़ाइन बनाऊंगी और इसमें ध्यान रहे अगर आप ये वाले डिज़ाइन बना रहे हैं तो इसमें पत्तियों के डिज़ाइन आप अच्छे से बनाएं जैसे मैं बना रही हूँ, वन बाय वन बनाते जाएं, एक साइड की लाइन कंप्लीट होने के बाद आप दूसरी साइड की लाइन कंप्लीट करें। आप इसको अगर डायरेक्ट भरेंगे तो वो शायद मैसी लग सकता है क्योंकि ऊपर की तरफ भी भरा हुआ है और अगर फिंगर्स भी बहुत भर के बनाएंगे तो इतना उठाव ना आए कभी, तो आप देख लीजिएगा जैसा भी आपको ठीक लगे। वैसे मुझे ये वाली डिज़ाइन ज़्यादा अच्छी लगी तो मैंने ये वाली ले ली। इसके अलावा अगर आप चेक का डिज़ाइन भी लेंगे तो अच्छी लगेगी, तो आप वो चीज़ कर लेना अगर आप बहुत जल्दी करना चाहते हो तो। तो ये डिज़ाइन आप ऐसे कैसी बना देना दोनों फिंगर में। कुछ डिज़ाइनों में फिंगर की डिज़ाइन सेम बनाने से वो डिज़ाइन काफ़ी अच्छा लगता है, जैसे ये वाली डिज़ाइन मैंने पूरा डिज़ाइन जो ऊपर का है उसमें एलिफेंट का डिज़ाइन लिया है मैंने, कोई दूसरा डिज़ाइन नहीं लिया है, तो यहाँ पे अगर अपन फिंगर के डिज़ाइन सेम रखेंगे तो ही अपना एलिफेंट डिज़ाइन और इन सब पे फोकस जाएगा, तो इसलिए अपन को यहाँ पे डिज़ाइनें सेम रखनी पड़ेगी। फिंगर के डिज़ाइन सेम रखने की यही एक रीज़न होता है कि अपने को किसी डिज़ाइन को उठा के दिखाना है तो अपन को फिंगर के डिज़ाइन को सेम रखना चाहिए ताकि आपकी जो ऊपर अगर कुछ बेस्ट डिज़ाइन बनी हुई है तो उस पे फोकस ज़्यादा जाए। एलिफेंट में थोड़ा सा जो ड्रॉ करना है वो कर रही हूँ अब मैं, सबकी आइज़ बनाने के बाद ऊपर की तरफ कंगूरे की डिज़ाइन लेके दो दो लाइन दोनों पैर में मैं बना रही हूँ जिससे वो थोड़ा सा उठ के दिखे और पूरा लुक उसका दिखने लग जाए। वो चीज़ कंप्लीट करने के बाद मैं इसकी फीलिंग्स
चालू करूँगी कि उसको कैसे बनाना है। तो फिलिंग भी अपन को बहुत आराम से और देखनी है कि कैसे हो रही है, उसका ध्यान बिल्कुल बराबर रखना है कि उसको कैसे करना है, तभी ये डिज़ाइन बहुत अच्छी दिखेगी, अदरवाइज डिज़ाइन बिगड़ सकती है। फिलिंग बहुत आराम से करनी है और बहुत ध्यान से करनी है, कहीं ओवर फिलिंग ना हो जाए इस बात का ध्यान रखना है। प्रॉपर फिलिंग लाइन ड्रॉ करने के बाद की जाती है, पहले आउटलाइन ड्रॉ की जाती है, उसके अंदर फिल किया जाता है। आप मैं जैसे फिल कर रही हूँ आप सेम वैसे करेंगे तो आपकी फिलिंग भी काफ़ी अच्छी होगी। फिलिंग करने में भी बहुत सी बार फिलिंग बहुत मेसी लगती है क्योंकि वो प्रॉपर तरीके से नहीं की जाती, वो आप डायरेक्ट उसको फिल करने लग जाओगे तो आपको एक पर्टिकुलर प्लेस नहीं मिलेगा उसको फिल करने के लिए। पर्टिकुलर प्लेस तभी मिलेगा जब आप आउटलाइन ड्रॉ कर लोगे, क्योंकि आउटलाइन ड्रॉ होने से आपको ये पता चल जाता है कि आपको कितनी जगह और फिल करना है, तो वो फिलिंग बहुत आराम से और सेम होती है। उस चीज़ का आप ध्यान रखें, आउटलाइन आपको ड्रॉ करना ही करना है। जैसे मैं पूरा आउटलाइन लेने के बाद अंदर का फिल कर रही हूँ कि हाँ बचा हुआ डिज़ाइन मेरे को ये फिल करना है। फिलिंग आपको समझ आ गई होगी और फाइनल लुक आपको ये वाला मिलने वाला है जो कि बहुत ही ऑसम लग रहा है। आप भी मुझे बताना कि आपको ये कैसा लगा।